वालेकुम आज हम इस वीडियो में लुइस कैरल के बारे में जानेंगे। ये 1832 में पैदा हुए थे और अठारह सौ में इनकी डेथ हुई थी इनका असल नाम है चार्ल्स लूडविच डॉटसन और ये अपनी पोएम जो है बेटर नोन हिज पेन नेम लुइस कैरल की वजह से मशहूर हैं इंग्लिश राइटर हैं मैथमेटिशियन लॉज लॉजिशियन एंजी एंड डीकन हैं और फोटोग्राफर हैं मैथमेटिक्स में इन्होंने लिखा है अल्फाबेट साइफर और द गेम ऑफ लॉजिक ये कहा जाता है कि इन्होंने डोडो में अपने आप को कैरिकेचर किया है जो इनका फेमस वर्क है एलिस इन एडवेंचर इन वंडरलैंड और अपनी डिफिकल्टी भी बताई है कि अपना लास्ट नेम प्रोनाउंस करने में इनको काफ़ी प्रॉब्लम दरपेश आती थी एक दफ़ा इन्होंने लिखा आई डोंट थिंक आई हैवेट रिटर्न एनी थिंग वर्थ रियल पब्लिकेशन बट आई डोंट डिस्पेयर ऑफ डूइंग सो समे इनका जो फर्स्ट वर्क है वो था रोमांटिक पोइंग सॉलिट्यूड जो कि अठारह सौ छप्पन में एटीन फिफ्टी सिक्स में आए मार्टिन गार्डनर ने इनको कहा है लुइस uh, कैरल को कहा है टोरी

इसका ऊपर वाले एलिस इन वंडरलैंड का जयपुर की एक पोएम है 1871 में आई द हंटिंग ऑफ द स्नार्क ये पोएम है 1876 में व्हाट में वट द सेड टू नाइन्टी 1895 में ये आई द वे एंड कारपेंटर ये भी एक नैरेटिव पोएम है अब हम एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड का जिक्र कर लें ये एक नावल है एक लड़की के बारे में एलिस का जो कि एक रैबिट होल से गिरी फैंटसी वर्ल्ड में जहाँ पर बड़े ही अजीब किस्म के मखलूक रहती है एलिस को एक रैबिट गाइड करता है वंडरलैंड में और ये जो यौनरा है ये फैंटसी है करेक्टर्स का जिक्र करें एलिस द वाइट रैबिट द माउस द टोडो द लोरी ईगले डार्क पैट बेल लिजर्ड पपी का कैटरपिलर शेजर कैट मार्च हेयर दरमोज क्वीन ऑफ हार्ट्स किंग ऑफ हार्ट्स ग्रेफिन और मॉक टर्टिल एक चिल्ड्रन नावल है और बारह चैप्टर हैं इसके अंदर थ्रू द लुकिंग ग्लास इसका फुल टाइटल है थ्रू द लुकिंग ग्लास इन वट एलेयर सीक्वल था ये इन दिस नावल्स अगेन एंट्र फैंटासी वर्ल्ड बाई क्लाइंबिंग थ्रू अ मिररर इन टू द वर्ल्ड दैट शी कैन सी बियॉन्ड इट इसके इट इनूड दर्सेजर वोकिलरस एंड दार्पेंटर और इसमें ही एक एपिसोड है ट्विड ट्विडल डम एंड ट्विडल डी इसके अंदर करेक्टर्स हैं एलिस हैगा मेल हैटा हैटर हमटी डमटी द जेबर वोकी जेब जेबर्ड रेड किंग रेड क्वीन द लाइन एंड द यूनिकॉर्न द शीप वाइट किंग वाइट नाइट वाइट क्वीन ट्विडल डम ट्वीडल डी द वैस एंड कॉल पेंटर